लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं, ऐसे ऐसी तो पार्टी है। वो भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का। नमस्कार, आप सी लाइव न्यूज देख रहे हैं, आप और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। शारंग के उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आप लोग रिकॉर्ड करने के लिए आते ही नहीं है, भूल जाइएगा कि ऐसा कोई पूरे देश में नया नया उम्मीदवार आया है। इस वीडियो में सुनिए राम मंदिर मुद्दे को लेकर रोहिणी आचार्य पत्रकारों से और क्या कुछ कह रही है। कांग्रेस के लोग जो है राम मंदिर का विरोध करते थे और आज देखिए क्या हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया। लालू जी ने भी मना कर दिया था पार्क प्रतिष्ठा में जाने से। कोई मना नहीं किया था, अब हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं, ऐसे ऐसी तो पार्टी है। वो भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं, सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे आकर के बहन बेटियों को गाली देते हैं, लज्जित करते हैं और वैसे ही लोगों को अपने साथ बैठा के रखे हुए। इस बार बिहार की माताएं बहनें सब उनका जवाब। रोहिणी जी, आप महिलाओं से मिल रही हैं, आपके पिता वो क्या कह रही हैं, गांव में जो महिलाएं हैं, आप बोलो में जा रही हैं, बस्तियों में जा रही हैं, आप आ रहे हैं आज, आइए आप लोग आइए बताइए, महिला लोग से पूछिए। तो मेरा राजनीति में पहले जो आप लोग पूछ रहे थे कि कब आना डिसाइड हुआ, तो मैंने बोला मेरा उसी समय मन था, लेकिन मैं एक माँ थी, माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, तो मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी, बच्चे उस समय छोटे थे, मैं आ नहीं पाए। लेकिन राजनीति में मेरा एक और वही मकसद जो आज मैंने ट्वीट भी किया कि अब वैसा महापाप ना हो बिहार में, चाहे कहीं पे भी मुजफ्फरपुर, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी और सबका साथ। जो घटना हुई तो आप लिस्ट निकालिए ना, तोंद वाले अंकल अभी तक उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए, वहाँ पे होर मची हुई है, कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सकता। तो आपने सुना कि रोहिणी आचार्य पत्रकारों से बातचीत करते हुए ने राम मंदिर को लेकर के क्या कुछ कहा है, तो आपको कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। तो ऐसे तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।